हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल अमित टेक्निकल गुरु में। दोस्तों मैं उनका आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों जी, फर्जी तरीके से प्राप्त कर्मचारी कर रहे हैं कार्य। दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये 6 फरवरी 2020 का अपडेट दिया गया है ललितपुर स्वतंत्र प्रभात खबर के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, देखिए दोस्तों, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के प्रेस को दबा दें, ताकि आपको नई नई अपडेट रोज डेली के डेली मिलती रहेगी। इसलिए और हमारा वीडियो बनती है तो अनुकंपा से रिलेटेड की वीडियो बनती है, इसीलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दें तो आप सभी को बहुत ही आसानी पूर्वक वीडियो पहुँच सकेगी। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आपको बताना चाहूँगा, शिक्षकों के बात पर शासन नहीं पहुँचा कोई निर्णय पर शिकायतकर्ता व पर शिकायत वापस लेने बनाया रहा दबाव। दोस्तों ललितपुर जिला पंचायत के कुछ भी संभव है, यहाँ पर हमेशा से नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति में अपने चेहरे के लाभ दिया गया है। शासन के नियमों को अनदेखा कर स्वयं नियम बनाकर कार्य के किया गया है। दोस्तों हमारे वीडियो के आखिरी तक बने रहे ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए दोस्तों हमारे वीडियो के आखिरी तक बने रहें और सारी नोटिफिकेशन को जानकारी लें। ऐसा ही एक मामला अनुकंपा नियुक्ति के लिए के दौरान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, जिसकी नियुक्ति तो चतुर्थ श्रेणी पर हुई किंतु बाद के कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से प्रतिनिधि हासिल की और जिसकी शिकायत जिला प्रशासन से की गई, किंतु 5 माह बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है और वो तो शिकायतकर्ता के आरोप लगाया है और जी हाँ कि जांच अधिकारी शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं और शहर के मोहल्ले निवासी चंपालाल के जिला अधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि जिला पंचायत के तैनात कर्मचारी इस्माइल खा की सेवा काल में ही मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनके पुत्र जमील खां ने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को पत्र घोषित किया, प्रस्तुत किया। कक्षा 8 पास होने के शिक्षक योग्यता बनाते हुए चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति के लिए दिया गया। उस समय कोई शिक्षणीय योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। इसके बाद ब्लॉक धरना अंतर्गत ग्राम धोरिया के जूनियर हाई स्कूल सन 1976 के अंक तालिका के द्वितीय प्रति 25 जनवरी 1992 पत्रावली लगाई गई। इसके प्रतिनिधि था और आपका द्वारा 22 दिसंबर 1999 को द्वितीय श्रेणी लिपिक के पर दिए गए प्रार्थना पत्र में लिखा है कि उनकी शिक्षणित योग्यता हिंदी सहित सम्मिलित इलाहाबाद के प्रार्थना पत्र प्रथमा पद परीक्षा समाप्त 2040 सन 1983 में उत्तीर्ण बनाया गया। उसके बाद दिनांक रहित प्रार्थना पत्र के में हिंदी सहित सम्मिलित इलाहाबाद के वर्ष 1986 प्रथम पत्र प्रथमा परीक्षा के उत्तर बताया गया। आपका विरोधवासी के थे प्रमाण पत्र के हाई स्कूल के समकक्ष बताया गया था कि लेकिन चयन समिति 3 जून 2011 में जमील खा को हाई स्कूल उत्तीर्ण बताया गया। उत्तर आदेश में ही कई प्रार्थना पत्र को प्रमाण पत्र का उल्लेख नहीं है। पत्र में यह बताया गया है कि माध्यमिक मान्य नहीं होगा किया जाएगा, 7 क्रमिक अनुभव के शासन आदेश के प्रार्थना पत्र के मान्यता नहीं दी जाएगी। और साथ ही सबसे बड़ा बिंदु तो यही है कि जब श्री अनुकंपा की नियुक्ति के लिए की गई थी तो उस समय इस प्रमाण पत्र को उल्लेख के नहीं किया गया। शिकायतकर्ता के जिला प्रशासन के निष्पक्ष जांच की मांग की थी और इसके बाद जिला प्रशासन के जांच टीम गठित की, लेकिन जांच टीम समस्त शिक्षकों को उपलब्ध होने के बाद
बाद भी निर्णय पर नहीं पहुंची और 5 माह से चल रही जांच के निर्णय ना निकलने के कारण सिंह धन की क्षति हो रही है। चलो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर